अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है जो हमें उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है और पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश के अम्बिया निकला। मजीद बराह करम हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलीमे को समझ रहे हैं। आज हम मखलूक की पहचान कैसे हासिल होगी वो समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस कलीमे को समझना है, इस कलीमे का इल्म हासिल करना है कि कैसे हमें इनकार करना है और कैसे इकरार करना है, तस्दीक करना है इस कलीमे का। कि ला से हमें नफ़ी करना है। किसकी नफ़ी करना है? मखलूक की उलूहियतपन का इनकार करना है, मखलूक की उलूहियतपन की नफ़ी करना है। और इस इलाह से इस बात करना है किसके लिए हाँ करना है? अल्लाह ताला की उलूहियतपन का इकरार करना है, अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन का इकरार करना है, इसके लिए हाँ करना है। और हमें देखना है कि हम अपने आप को माबूद बना लिए हैं और या फिर किसी और को माबूद बना लिए हैं हम, तो हमें इसका इनकार करना है, इसे निकल कर तौबा करके इकरार करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। इंसान कौन है? इंसान अशरफुल मखलूकात है और हमें चाहिए कि हम जानें कि हम कौन हैं। यह हम पर फ़र्ज़ है। हम कौन हैं, यहाँ कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ कब तक रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारी कामयाबी किस में है, हमारी नाकामी किस में है। ये अगर जो बंदा समझ गया, जान गया, वो इंसान है। और जो नहीं जाना, नहीं समझा, वो जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहा है। हमें जानना है हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर अगर दरिंदों की ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर अगर शैतानी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी से निकलकर हमें फ़रिश्तों की सिफ़त अपनाना है। फ़रिश्तों की सिफ़त क्या है? अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना, अल्लाह ताला को देखना, ये फरिश्तों की सिफत है। अगर जो बंदा जानवरों की ज़िंदगी से हटकर, दरिंदों की ज़िंदगी से हटकर, शैतानी ज़िंदगी से हटकर जो फरिश्तों की सिफत अपना लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे का मुकाम फरिश्तों से अफजल कर देते हैं, सुभान अल्लाह। तो पहले हमें क्या है? अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने के बाद हमें चाहिए कि हम मखलूक के बारे में जानें, मखलूक की पहचान हासिल करें। मखलूक की रहने की जगह को हम आलम कहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे आलम बनाए हैं। उसमें से 3 मेजर कैटेगरीज हैं: आलमे शहादत, आलमे बरजख, आलमे अरवा या आलमे अमर। आलमे शहादत में मखलूक के 4 मेजर कैटेगरीज हैं, वो है इंसान, हैवान, जमातात, नबातात। तो हमें इस मखलूक की चेकलिस्ट बनाना है कि कौन सी चीज़ें मखलूक में आती है। तो हम कैसे जानेंगे कि मखलूक है और कौन मखलूक है? तो देखिए, पहले है सूरत, शक्ल। जिसकी सूरत है, शक्ल है, वो मखलूक है। और अल्लाह ताला सूरत शक्ल से पाक है। और जिसकी सूरत है, शक्ल है, उसकी उलूहियतपन का इनकार करना है। जिसका दूसरा है, जिसका रंग रूप है, वो भी मखलूक है और इसकी उलूहियतपन का भी इनकार करना है। अल्लाह ताला रंग रूप से भी पाक है। वज़न, अंदाज़ा, जिसका अंदाज़ा कर सकते हैं, वो भी मखलूक है और अल्लाह ताला वज़न से भी पाक है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ताला इतने ही, अल्लाह ताला सिर्फ एक है। तो अल्लाह ताला वज़न अंदाजे से भी पाक है। चौथा है, टूटना फूटना पाया जाता है, ये भी मखलूक है। मखलूक को मौत आती है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा कायम है और कायम रहेंगे।
तो ये चार चीज़ें मखलूक हैं, ये चेकलिस्ट है। पहले सूरत शक्ल, दूसरा है रंग रूप, तीसरा है वज़न अंदाज़ा, चौथा है टूटना फूटना पाया जाता है। ये सब मखलूक है। और जो भी इन सब चीज़ों से दूर होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाता है ना, वही अकलमंद है। और जो इन सब चीज़ों में खो जाता है वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको गफलत में से नहीं निकालते, वो बहुत नुकसान उठाता है। एक वाक़या रखती हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में इस हिकायत को बयान कर रहे हैं कि हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम अपने बादशाह के पास आए। अब बादशाह ने हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को पहचान लिया कि आप कौन हैं। अल्लाह ताला ने वो बादशाह को ऐसा इल्म अता फरमाया था कि वो हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम का हकीकत को जान गए थे, वो समझ गए थे। जब वो बादशाह हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम की हकीकत को समझ गए थे, जान गए थे, तो वो बादशाह जब भी खाना खाते थे, वो बादशाह खाना खाने से पहले हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को वो खाना भेजते थे, फिर वो झूठा खाना आप खाते थे। अगर हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम कोई खाने को पसंद नहीं करते थे तो वो बादशाह भी उस खाने को नहीं पसंद करते थे। हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम थोड़ा खाते थे तो ये बादशाह भी थोड़ा खाते थे, मतलब आपको पहले खिलाते थे फिर वो बादशाह खाते थे। अब एक दिन बादशाह की बारगाह में तोहफे आए, कहीं और कहीं से तोहफे में बड़ा सा खरबूजा आया। अब बादशाह पहले हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को खिलाते थे फिर वो खाते थे, फिर वो बादशाह सोचे कहाँ ये खरबूजा भेजे, हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम खाए फिर ये खरबूजा यहाँ आया, इससे अच्छा तो हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को यहाँ बुला लीजिए। हुक्म दिया आपने, जाकर बुला कर लाओ हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को। हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम आ गए। अब छुरी मंगाकर बादशाह ने खुद खरबूजे को काटा और काटकर एक पीस निकालकर हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को दिए, और हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम वो एक पीस को लेकर खा लिए खुशी से, आप खा लिए। वो बादशाह को बहुत अच्छा दिखा कि खरबूजा अच्छा होगा, खुशी से लुक्मान अलैहिस्सलाम खा लिए। अब बादशाह एक और पीस काट कर खरबूजे का निकाल कर जो है हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को दिया। बड़े लज्जत से वो एक और पीस हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम खा लिए। फिर वो बादशाह को खुशी हुई, ऐसे ही एक और पीस निकाल कर हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम को अब दिए। ऐसे ही पूरे 17 पीसेस हो गए। तो उस बादशाह का दिल, उसके मतलब बादशाह के दिल में आया कि हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम बड़ी लज्जत से बड़े खुशी से खा रहे हैं खरबूजा, तो मैं भी थोड़ा चख लूँ। अब वो बादशाह ने एक पीस काट कर अपने मुंह में रखा। वो खरबूजा इतना कड़वा था कि वो बादशाह कुर्सी से उठ गया, इतना कड़वाहट थी कि वो बादशाह थोड़ी देर तक बहुत बेचैन थे। फिर बादशाह कहते हैं हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम से, क्या आप अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको अपनी जान पसंद नहीं है, अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? इतना कड़वा जहरीला खरबूजा बड़े आराम से बड़ी लज्जत से खा रहे हैं आप। हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बादशाह, तेरा हाथ सखी है, तेरे हाथ में तेरे अंदर मुझसे मोहब्बत है, तूने मुझे कई नेमतें खिलाई, उम्दा नेमतें खिलाई, इतनी नेमतें खाकर एक बार कड़वा खरबूजा खिलाया कि मैं कह दूं ये कड़वा है, मुझे शर्म आती है।
हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बादशाह, तू इतना मोहब्बत करने वाला, जब तू मुझे वो खरबूज़ा काट कर दे रहा था, वो खरबूज़ा तेरे हाथ से मेरे हाथ में आकर मीठा हो जा रहा था। सुभान अल्लाह, तू इतना सखी है, जब तू खरबूज़ा दे रहा था तो तेरे हाथ से मेरे हाथ में आकर वो मीठा हो जा रहा था। सुभान अल्लाह, हज़रत लुक्मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आखा मोहसिन होते हैं उनकी ज़र्रा सी बात पर नाराज़ होना ये बदबख्ती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत की तशरीह फरमाते हैं, समझा ये रहे हैं कि अल्लाह ताला मोहसिन है, अल्लाह ताला बादशाह है, अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला नेमतें अता कर फरमाते हैं, अल्लाह ताला हाजतों को पूरी करते हैं। हमें कोई एक काज चीज़ मिल गई तो हम बवाल मचा देते हैं, मतलब अगर समझ जाते तो मुस्कुरा कर मौला कश हर हाल में शुक्रगुजारी करते। तो देखिए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत को बता करे कि अल्लाह ताला बादशाह है, अल्लाह ताला मोहसिन है, मालिक है हमारे, बादशाह है। अगर वो हमें परेशानी देते हैं तो हमें उस परेशानी में शुक्रगुजार करना है, ना कि नाराज़ होना है, अल्लाह ताला से दूर होना है हमें, अल्लाह ताला से मुस्कुरा कर हमें अल्लाह ताला ने जितना भी हमें दिया है उस पर शुक्रगुजार करते रहना चाहिए हमेशा, अल्लाह ताला से कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। इतने सारे गुनाह हम करते हैं फिर भी अल्लाह ताला हमें देखते हैं, फिर भी जब हम एक अस्तगफार करते हैं तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो माफ़ कर देते हैं, वो अपनी पनाह में ले लेते हैं, अल्लाह ताला इतने सखी है। फिर हम जब हम परेशानी आ जाती है तो हम क्यों भूल जाते हैं, जब अल्लाह ताला हमें नेमतें अता करते हैं, जब हमें खुशी देते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं, वो सब चीज़ों को भूल कर नाराज़ क्यों होते हैं अल्लाह ताला से? क्योंकि हम इस कलीमे को समझे ही नहीं। इस कलीमे का अगर हम इल्म हासिल कर लेते ना तो ये सब नाराज़गी, नाफरमानी सब निकल जाती है अपने अंदर से। तो हर हाल में अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा शुक्र गुजारी करते रहना चाहिए मौला का। देखिए हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का इरादा करता है और नेकी कर लेता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, 10 से 100, 700 गुना तक इसके लिए नेकियां लिखी जाए और बेहिसाब सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं, अगर कोई बंदा नेकी का इरादा करे और अगर ना कर सके, अमल ना कर सके, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि एक नेकी लिखो इसके लिए, सुभान अल्लाह। अगर आप गुनाह का इरादा करें और गुनाह ना करें तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, एक नेकी लिखो इसके लिए, सुभान अल्लाह। और गुनाह का इरादा कर लिया और गुनाह कर दिए तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि एक गुनाह लिखो इसके लिए, सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला कितने मोहसिन है, कितने रहमान और रहीम है, कितने गनी हैं कि जब हम नेकी का इरादा करके नेकी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला 10 से 700 गुना तक हमारे हिस्से में नेकियां लिखवाते हैं फरिश्तों के ज़रिए से, और जब हम नेकी का इरादा करें और उस पर अमल नहीं कर सके तो भी अल्लाह ताला हमें एक नेकी लिखने का हुक्म देते हैं फरिश्तों को हमारे हक़ में, कि अगर हम गुनाह का इरादा कर ले तो गुनाह ना करें तब भी हमारे हक़ में एक नेकी लिखी जाती है, और जब गुनाह का इरादा कर ले, गुनाह कर दिए तो भी अल्लाह ताला हमारे हक़ में एक गुनाह लिखते हैं, उसका डबल तो नहीं करते ना, सुभान अल्लाह है। तो देखिए अल्लाह ताला कितने गनी हैं, रहमान और रहीम हैं। और जब हम अल्लाह ताला की तरफ आगे बढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में ले लेते। तो देखिए एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ, सुभान अल्लाह। जो बंदा मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ दो हाथ आता हूँ।
जो बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। सुभान अल्लाह। जब हम ला से मखलूक की उलूहियतपन का इनकार कर देते हैं, मखलूक की उलूहियतपन को निकाल देते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ आते हैं और हमसे सारे हमारी सारे हाजतों को पूरी कर देते हैं। क्यों? अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में ले लिए हैं। जब हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अगर मैं एक बालिश आओगे तो मैं तुम्हारे तरफ एक हाथ आऊँगा, अगर तुम एक हाथ आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दो हाथ आता हूँ। अगर हम चल कर आ रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ दौड़ कर आते हैं, और जब हम अल-मखलूक से बेरगबत होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में ले लेंगे। और जब हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे तो हमारी सारी हाजतों को अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। और अगर हम दुनिया की तरफ रगबत कर देंगे, दुनिया की तरफ वो झुक जाएंगे, तो अल्लाह सिर्फ दुनिया वाले गिराएंगे, बेइज्जत करेंगे। तो हमें पहचानना है मखलूक कौन है और रब ताला हमारे कौन है, कि उस मखलूक का इनकार करके अल्लाह ताला की उलूहियतपन का इकरार करना है। हमें अल्लाह ताला ने भेजा है मखलूक में, हमारे अंदर अमानत दी है एक, वो है दिल। दिल क्या है? दिल यानी इल्म, जिसमें इल्म आता है वो दिल है, जिसमें अल्लाह ताला की पहचान आती है वो दिल है। दिल, अल्लाह ताला ने हमें दिल पाक साफ आईने की तरह दिया है, एक अमानत दी है हमें। तो हमें चाहिए कि अपने खल्ब को, अपने दिल को पाक साफ रखें, उससे ख़राब होने ना दें। कि अगर हमें हमसे गुनाह हो गए ना, अगर हम गुनाह करें तो उस पर दाग लग जाता है, उस पाक साफ आईने पर दाग लग जाता है। और अगर हम इस दाग को तौबा के पानी से साफ कर दें तो वो पाक साफ हो जाएगा, फिर से पहले की तरह पाक साफ आईने की तरह साफ हो जाएगा। हमें इस कलीमे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना है अपने खल्ब के अंदर, अल्लाह ताला की पहचान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान को रोशन करना है हमारे अंदर, हमारे दिल में ईमान लाना है, कि इस ईमान को और भी रोशन करना है। हर रोज तजदीद करते रहना चाहिए अपने इस ईमान की। तो हमें क्या करना है? हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है। समझेंगे तो तस्दीक होगी, फिर अमल होगा। अगर हम ईमान के बगैर अमल करेंगे तो वो अमल बेकार है। उसकी मिसाल तफसीर नईम में फरमाते हैं कि जो बंदा बग़ैर ईमान के अमल करता है, उसकी मिसाल है कि एक बंदे के पास ख़त आया, वो ख़त पढ़ना है उसको, लेकिन अंधेरा है, तो वो सोच रहा है कि जब कभी बादल बरसेंगे, जब बिजली कड़केंगी, उसकी रोशनी में वो ख़त पड़ेगा। तो देखिए, ईमान से अमल है, अगर ईमान के बगैर अमल करेंगे तो अमल बेकार है वो। तो कैसे लाए ईमान? हमें कोशिश करना है, हमें बढ़ना है आगे। अगर हम बैठे रहेंगे कि दूसरों के भरोसे कि नमाज पढ़ लिए दुआ नहीं मांगेंगे, तो नहीं होगा। जब ईमान आ जाएगा तो देखिए हमारी नमाज कैसी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, नमाज कैसी होगी? दीन के तहत होगी। अल्लाह, क्योंकि हम जब ईमान आ जाएगा तो हम अल्लाह ताला को जान जाएंगे, अल्लाह ताला की पहचान हासिल होगी, तो हम नमाज कैसे अदा करेंगे? नमाज हमारी, हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं ऐसी अदा होगी, या फिर अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं ऐसी अदा होगी नमाज। तो बोलना सिर्फ ये है कि बिना ईमान के अमल बेकार है। जब हम इस कलीमे का इल्म हासिल करेंगे तो हमें चाहिए कि हम इस का इल्म दूसरों तक पहुँचाएँ, इससे हमारे ईमान की तजदीद होते रहेंगे।
दूसरों तक पहुँच जाएंगे, तभी हमारे अमल में इजाफा होगा, तभी हम अच्छे से अमल कर पाएंगे। देखिए, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो दुनिया को दीन के ज़रिए से हासिल करेंगे। वो भेड़ की खाल का नरम लिबास पहनेंगे और उनकी ज़बानें शक्ल से ज़्यादा शीरी होगी, रिवायत करते हैं शहद से ज़्यादा मीठी होगी, और उनका दिल भेड़ियों से ज़्यादा खूनखार होगा। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी ज़माना ऐसा आएगा जिसमें लोग कैसे होंगे, दुनिया को दीन के ज़रिए से हासिल करेंगे। दुनिया को दीन के ज़रिए से हासिल करेंगे मतलब दीन हासिल कर लेंगे वो लोग, लेकिन तकब्बुर करेंगे कि दीन जानकर भी वो अपने आप को माबूद बना लेंगे, कि लोग गिड़गिड़ाए उनके सामने, उनकी नाराज़गी से डरे। तो ऐसे ना दुनिया को दीन के ज़रिए से हासिल करेंगे, दीन जानकर भी हसद जलन करेंगे, तकबर करेंगे, और वो भेड़ की खाल के नरम लिबास पहनेंगे और उनकी ज़बानें शहद से ज़्यादा मीठी होंगी, और उनके दिल भेड़ियों से ज़्यादा खूनखार होंगे, मतलब दिल में कुछ और होगा, ज़ुबान पर कुछ और होगा। हदीस खुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं? क्या ये लोग मुझसे डरते नहीं हैं? ऐसे लोगों के पास ऐसे फितने भेजूंगा इनके बुर्दबार लोग भी परेशान हो जाएंगे। कि अल्लाह ताला देखे हदीस खुदसी में फरमाते हैं कि क्या ये लोग मुझसे डरते नहीं हैं, क्या ये लोग, ये जो है लोग मुझसे धोखा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास अल्लाह ताला फितने भेजेंगे कि वो उनकी दुनिया हिल जाएंगी, वो लोग ऐसे खौफ ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर वो गुनाह नहीं करेंगे। अगर वो अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगाम को समझ गए तो, नहीं तो वो वो आखिरत और दुनिया दोनों में नुकसान उठाएंगे, अल्लाह ताला उन पर सख्त अजाब नाजिल करेंगे। तो हमें किसी अपने आप को माबूद बने नहीं बनाना है, ना किसी और को माबूद बनाना है। हमें ला से मखलूक की उलूहियतपन का इनकार करके इला से अल्लाह ताला की उलूहियतपन का और हाजत रवाईपन का इकरार करना है, और इस इल्म को हासिल करके हमें दूसरों तक भी पहुंचाना है।